नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। कहते हैं ना कि पंखों से नहीं बल्कि हौसलों से उड़ान होती है, यही कहावत आजकल जालौन में चरितार्थ हो दिखाई दे रही है। जहां कोरोना वायरस से फैली महामारी से बचाव के लिए सरकार द्वारा भी शिक्षण संस्थाओं को एहतियातन बंद कर ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था की गई है, इसलिए ऑनलाइन पढ़ाई के बाद नौनिहाल अपने अभिभावकों के काम में हाथ बटाने में जुटे हुए हैं। बताते चले कि बुंदेलखंड में धार्मिक परंपराओं का बड़ा ही महत्व है। हर छोटे बड़े त्योहारों को लोग अपनी दिनचर्या में शामिल किए हुए हैं। आज नगर क्षेत्र में मंदिरों के बाहर हाथ से मिट्टी की बनाई गई कलाकृतियों को नौनिहाल रिपीट कलाकृतियों को नौनिहालों द्वारा बेचने के लिए बैठे देखकर मन बरबस ठहर गया और कैमरा चल पड़ा। नौनिहालों द्वारा बनाई गई कलाकृतियों के बारे में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो पढ़ाई के बाद पिता की मदद कर बनाई गई कलाकृतियों को बेचने आए हैं और ये शौक भी है और हुनर भी। जी बेटा, मंगला, आप ये जो ये बना रही हैं, क्या बना रही हैं? पार्वती, शंकर। शंकर पार्वती जी। अच्छा, इसका क्या होता है? पूजा होती है। तो आप ये बना के जो बेचेंगी तो मतलब आपके यही पारिवारिक आपका मतलब पेशा है? मतलब आपके पिताजी माताजी भी यही काम करते थे क्या? हाँ, पापा बना देते हम लोग। अच्छा, पापा बनाते थे, आप लोग बेचते थे, अब आप बना रहे हो? नहीं, टूट जाते थे। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? कहाँ पर रहती हो? क्या नाम बताया आपने अपना? मंगला। भैया आपका नाम क्या है? राज। राज, अरे वाह, आप दीदी की हेल्प कर रहे हो। नाम बेटा आपका? अनुभव। जी, अनुभव। कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं आप? अच्छा, आठ में पढ़ते हैं। किस विद्यालय में? पीछे। अच्छा, जूनियर विद्यालय में पढ़ते हैं आप। तो अभी लॉकडाउन चल रहा है, आपके विद्यालय बंद हैं, तो ये काम किसने सिखाया आपको? खुद से सीखा? घर में कितने लोग हैं? क्यों बेटा, घर में कितने लोग हैं? मम्मी पापा हैं? क्या करते हैं वो? पापा ठेकेदारी करते हैं। तो अभी जैसे आप लोगों की पढ़ाई नहीं चल रही है तो फिर ये काम आपने स्टार्ट किया है, लगभग कितने पैसे मिल जाते हैं इससे? मतलब इनको बेचने के बाद लगभग कितने पैसे मिल जाते हैं? शौक था। अरे वाह, तो मतलब आपने अपनी पढ़ाई के साथ साथ इस प्रोफेशन को भी जो है अपनाया और इस मतलब इस अपना टैलेंट इसमें दिखा रहे हैं आप। अरे वाह,